हरता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। और हिरण्यकश्यपु का वध प्रभु नारायण ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। हिरणाक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है। नहीं, अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की जय। हाथा हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की छवि तो अभी भी मेरे महास्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है
शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से, मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसको प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दो अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में, और द्वितीय ना ही भीतर ना ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौदली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधूली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार के चौखट की व्यवस्था भी कर दी, किंतु गोधूली वेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अपने अंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि भी नहीं होने दूंगा। जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधूली बेला आरंभ हो चुकी है, द्वार के चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं।
चांद की हर एक बाधा मिट चुकी है। ये द्वार ये चौकट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहां श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस मुझे क्या है, हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है और वो तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध ना पहले हुआ था और ना अब होगा। सारे मार्ग बंद होने पर भी आशावादी व्यक्ति अपने लिए एक नया मार्ग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।